दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। उस काम में लगा हूं। सर लो बीपी और हाई बीपी का एक बार लो और हाई बीपी। लो बीपी के लिए मैंने बोला था कि नमक को पानी में मिला के पीना, लेकिन कौन सा नमक? मैंने आपको बोला था संचर नमक एक होता है और एक आप वो नमक जिसको उपवास में इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं, सेंधा नमक। कोई लोग उसको सेंधा नमक कहते हैं, कोई लाहौरी नमक कहते हैं, कोई पाकिस्तानी नमक भी कहते हैं। मूल बात उसमें यह है कि वो पत्थर से बना हुआ नमक है। नमक दो तरह का है पूरी दुनिया में, एक तो दरिया के पानी से बनाया हुआ जो पैकेट में मिलता है, आप जिसको आयोडीन युक्त के नाम से जानते हैं, ये सब दरिया के पानी वाला नमक है। और दूसरा नमक है जिसको संचर नमक, काला नमक, सेंधा नमक, उपवास वाला नमक, ये पत्थर से बना हुआ है। तो ये जो पत्थर वाला नमक होता है ये दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए ये थोड़ा महंगा बिकता है। तो जिसको भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनके लिए ये नियम है कि वो नमक को पानी में मिला के पिए, एक गिलास पानी और उसमें एक पाव चम्मच, चम्मच माने टीस्पून नमक मिला के आप पीते रहिए तो जिनको भी लो ब्लड प्रेशर है वो ठीक हो जाए। हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैंने बताया था कि जिनको ऊंचा दबाव है रक्त का उनके लिए नमक के पानी से स्नान करना, एक बाल्टी पानी है उसमें कम से कम 15-20 ग्राम नमक मिला दीजिए, नमक मिला हुआ पानी से स्नान करिए। स्नान करते समय सिर को पानी मत डालिए, सिर बचाकर पूरे शरीर को पानी डाल सकते हैं। और स्नान करने के बाद शरीर को पोंछना नहीं है, तौलिया इस्तेमाल मत करिए, कोई कपड़े से शरीर को रगड़ना नहीं, जैसे पानी है उसको सूखने दीजिए और ये सूखने के बाद आप वस्त्र पहन लीजिए, कपड़े पहन लीजिए। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको साबुन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस पद्धति से अगर रोज स्नान करेंगे तो 15 दिन में ही आपका हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। आयुर्वेद में बाघभट्ट संहिता में एक सूत्र है हाई ब्लड प्रेशर के लिए और लो ब्लड प्रेशर के लिए संस्कृत में, तो उस सूत्र में ऐसा लिखा हुआ है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्त दबाव, उनको समुद्र स्नान करना चाहिए। अब 40 गांव में समुद्र कहां से आएगा स्नान करने के लिए, तो इसलिए मैंने आपको सरल करके बता दिया कि आप पानी को जब स्नान कर रहे हैं तो उसमें नमक मिला दीजिए, समुद्र तैयार हो गया। समुद्र का माने है नमक का पानी, तो बाल्टी का पानी है उसमें नमक मिला दीजिए, समुद्र तैयार हो गया, इस पानी से स्नान करिए। तो ये हाई ब्लड प्रेशर की सबसे अचूक, सबसे सरल, सबसे अच्छी दवा है। हाई ब्लड प्रेशर के किसी भी मरीज को नमक मत खिलाइए, नमक के पानी का स्नान कराइए, और लो ब्लड प्रेशर के किसी भी मरीज को नमक खिलाइए ज्यादा से ज्यादा। कम से कम आप महीने भर तो नहा ही सकते हैं, बीच में 5-7 दिन ब्रेक करके फिर महीने भर नहा सकते हैं, ब्रेक कर करके 3 बार एक एक महीने नहा सकते हैं। मेरे पांव के ना कुछ दिखते हैं, ये अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर, कल मैंने जो कहा उसकी बात, ये अभी मैं बताने वाला हूँ पांव की नस सूजती है या पेट में दर्द है क्या करना। नहाने का सुबह, जी नहाने का सुबह नियम यही है आयुर्वेद में, एक बहुत बड़ा अध्याय है उसका नाम है दिनचर्या। दिनचर्या के अध्याय में सवेरे सोकर उठने से रात तक सोने में क्या क्या करना चाहिए उसके सारे नियम हैं। तो उस अध्याय के अनुसार हमेशा स्नान करने का सबसे अच्छा समय है सुबह का समय। उसमें उठने का यह है कि 4:30 बजे के आसपास उठ जाना चाहिए और स्नान का समय उसमें है 6 से 6:30 बजे का, तो सुबह 6-6:30 बजे के आसपास आप स्नान कर लीजिए।